हाँ जी गाइस, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पाइथन के सीरीज में। और इससे पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, वेरिएबल्स की हम बात करने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स नए नए चैनल से जुड़े हैं और वो मुझे पूछ रहे थे कि और इसमें क्या क्या हम चैनल में देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है? बहुत सारी प्लेलिस्ट है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज नाम बता सकूं। आप ये बहुत सारी प्लेलिस्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट नीचे आप कर सकते हैं। अराउंड 70 प्लेलिस्ट है, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, टैक्स, पावर पिवट, वीबीए, और हमारे पास एडवांस एक्सेल, गूगल शीट्स, तरह तरह के पावर क्वेरी, पावर पिवट के वीडियोस मिलेंगे। अभी ये हमारी लेटेस्ट पावर पाइथन की सीरीज स्टार्ट हुई है और हम इसी महीने और भी दो लेटेस्ट नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें एक बीबी टॉप नेट होगा और साथ ही साथ मेरा प्लान रहेगा कि एसक्यूएल सर्वर के ऊपर भी बात की जाए, ठीक है? तो ये काफी महीने हमारे आने वाले क्रूशियल हैं, बिजी हैं, बहुत कुछ हमें करना है। तो अभी हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो नंबर 4। मैं आज आप सबके सामने वेरिएबल्स की बात करने जाऊंगा। वेरिएबल्स एक्चुअल में हम किस तरह से पाइथन में यूज करेंगे और वेरिएबल्स किसको कहा जाता है, ठीक है? आई नो आप इसे बहुत मेरे चैनल के बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, वीबीए से आपने वेरिएबल्स सीखा भी होगा, ऑफकोर्स आपको वो हेल्प मिलेगी मिलेगी, बट घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले इतना ध्यान रखें, सारा का सारा सीक्वेंस आपने देखा हो, ठीक है? पीछे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले हम अपने उसी में विंडोज में चलते हैं और विंडोज में जाके हम लोग अपना आइडल पाइथन का जो है लॉन्च करते हैं। तो यहाँ से मैं ये आइडल लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले इस टर्मिनल को ऑन करते हैं और यहाँ पे सिंपल हम आइडल लिखेंगे। एक मिनट जरा मैं इसकी वेट कर लूँ। यस, आइडल लिखिए, ठीक है? कैपिटल स्मॉल जो भी आपने लिखना है, आइडल लॉन्च हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि ये जो आइडल है, ये आप किस तरह से, आपने आपको ये कहाँ से मिला, कैसे मिला? वीडियो नंबर 1 देखिए, ये पाइथन का बाई डिफॉल्ट आइडल है, ठीक है? और भी काफी सारे आइडल हैं, स्पाइडर है, पाइथन है और नोट पैड प्लस है, बहुत बहुत सारी आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडल्स मिलते हैं। आइडल्स मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ, इट्स बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको कुछ करना हो। अब किसी पेंटर को आप बोल दें कि वहाँ भी आपको ये पेंटिंग करनी है और पेंटिंग के लिए आप उसको कैनवास ना दो, तो फिर उसका क्या फायदा है, राइट? तो पेंटिंग तो एक किसी सॉलिड प्लेटफॉर्म पे बनेगी, उसके जिसको हम कैनवास कहते हैं। तो एग्जैक्टली ये उस तरीके का है कि ये आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, इसके ऊपर आप पेंटिंग कीजिए। बहुत अलग अलग हर कंपनी ने अपने अपने जो है प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं, तो आपको जो पसंद है वो कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी आइडल की बात कर रहे हैं जो पाइथन का बाय डिफॉल्ट है, ठीक है? मेन पर्पस होना चाहिए कि आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, फिर आप किसी भी आइडल पे जा सकते हैं। और ये मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? आप इसे वीडियो ऐसे एकदम जैसे जैसे हम कर रहे हैं फॉलो करते जाइए। तो चलिए, ये मेरा शेल फाइल है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है? शेल फाइल जो है, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपके लाइन्स रन होती है, लेकिन हमें प्रोग्राम पूरा बनाना है और उसको रन करना है, तो हम इसमें एक नई फाइल बनाएंगे, ठीक है? इससे पहले आपका क्वेश्चन है कि सर आज ये फॉन्ट थोड़े बड़े बड़े क्यों दिख रहे हैं, जैसे वो मैंने आपके लिए किया हुआ है ताकि थोड़ा सा अगर कोई मोबाइल में देख रहा हो तो उसको विजिबिलिटी बन गए। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स, हम लोग आज वेरिएबल्स की बात करेंगे। अब ऑब्वियसली बात आप कहोगे तो बता भी दो कहाँ से ये करते हैं। तो उसके लिए ये है कि जब आप शेल फाइल में जाते हो यहाँ पे, ठीक है, शेल फाइल में यहाँ पे ऑप्शन में आप कॉन्फिगर आइडल पे जाइएगा। रिमेंबर, शेल फाइल में जाना है क्योंकि आपके पास दो चीजें हैं, एक शेल फाइल है और एक आपका है ये आइडल, ठीक है? आइडल पे हम प्रोग्राम लिखते हैं और यहाँ से हम इसको रन करते हैं, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, और आउटपुट आप यहाँ देख सकते हैं। इनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वेल ये एक तरह से समझ लें, ये साइन जो है ये शेल का साइन है, यहाँ पे आपको वो साइन नहीं मिलेगा, ये ग्रेटर देन साइन आपको दिख रहे हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए बोनस है। कन्फिगर आइडल में जाइएगा, कन्फिगर आइडल में ये पॉपअप आएगा। मैंने एरियल यूज किया है क्योंकि मुझे एरियल काफी पसंद है, आप जो मर्जी फॉन्ट इसमें से यूज कर सकते हैं, ऊपर नीचे स्क्रोल कर लीजिएगा और यहाँ पे आप बेसिकली साइज को जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है? यहाँ क्लिक कीजिए, जो भी साइज आपको बढ़ाना है, मैंने इसको 13 किया हुआ है, ठीक है? बोल्ड करना बोल्ड कर दीजिएगा, अप्लाई, ओके एंड दैट्स इट। मैंने इसलिए किया है बिकॉज आपको मुझे वीडियो दिखाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। हैश लगाने का मतलब आपको पता ही होगा, याद होगा, कॉमेंट्स, कोई भी चीज आपको कॉमेंट्स में लिखनी है तो हम हैश लगा देते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे एक्सेल वीबीए में आप सिंगल कोट लगा के लिख देते हो, राइट? या एक्सेल वीबीए में आप लिख देते हो, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिस्टम है, तो इसमें सिंगल कोट नहीं, इसमें हम लगाएंगे हैश, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स बेसिकली क्या है? वेरिएबल्स हम यूज करते हैं टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, ठीक है? टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, टू स्टोर द
इन्फॉर्मेशन, किस तरह की इन्फॉर्मेशन? आप देखिए, जब इन्फॉर्मेशन की बात आती है तो इन्फॉर्मेशन आपकी अलग अलग तरीके की हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि मैं आपको बोलूँ कि भाई व्हाट इज योर नेम, या अलग से मुझे कोई फाइल का नाम स्टोर करना है. फाइल का नाम हो सकता है, ठीक है, कोई नंबर हो सकता है, इज़न्ट इट? आपको कोई कैलकुलेटर बनाना है, आपको 2+2 करना है, 2+3 करना है. अब यूजर क्या क्लिक करता है आपको मालूम नहीं है उस एप्लीकेशन में जो आपने बनाई है. वो 3 भी प्रेस कर सकता है, 4 भी प्रेस कर सकता है. तो हमें कहीं वो नंबर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी, तभी जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा पाइथन है, उसको रन कर सकता है, राइट? तो एक तरीके से आप ये कहें कि आप इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख लेते हैं, फिर अपने प्रोग्राम में आपको जहाँ चाहे इसको यूज करना आप कर सकते हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिक भी हो सकती है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट भी हो सकती है. जैसे हमारे पास अगर हम बात करें फाइल का नाम, फाइल का नाम मुझे यूज करना है, और फाइल का नाम है लेट्स से डेटा, डेटा एशिया, राइट? तो ये इंफॉर्मेशन आपकी जो है ये टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये टेक्स्ट है, इसको स्ट्रिंग्स कहते हैं, ठीक है, अभी हम बात करेंगे. उसी तरीके से जैसे मैंने बोला आपको कोई 2+2 करना है, तो 2+2 अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपका नंबर होगा, लेकिन अगेन वो वेरिएबल की तरह से ट्रीट किया जाएगा. बिकॉज ये जो 2+2 है, ये 2+2 आएगा कहाँ से? आप ये इमेजिन कीजिए ना कि 2+2 हमें कहीं रखना पड़ेगा. तो हमारे पास बेसिकली ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स होंगे. जैसे मैं कहूँगा कि मेरा कंटेनर जो है कंटेनर वन, उसमें मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा लेट्स से एक्स, और जो मेरा एक्स भाई है वो एक्स भाई होगा 2, ठीक है. फिर उसी तरीके से एक कंटेनर 2 दूसरा ले लूंगा, और मैं कहूँगा कंटेनर 2 में मेरे पास है वाई, और वाई है मेरा 4, ठीक है. फिर मैं कहूँगा अब मेरे को एक और कंटेनर चाहिए, ठीक है, वो मेरा फाइनल कंटेनर है, और उस कंटेनर में मैं बेसिकली x प्लस y करना चाहता हूँ, ठीक है. तो मेरे पास ये एक फाइनल कंटेनर आ गया, और मैंने इसमें बोल दिया कि ये x प्लस y होगा. तो जहाँ कहीं भी ये इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की होगी हम प्रोग्राम की किसी भी लाइन में, चाहे आपने 1000 लाइन का कोड बनाया है, 2000 लाइन का कोड बनाया है, आप कहीं भी ये इसको रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है. एक तरीके से आपने पार्किंग जो है जो आपको पार्किंग स्पेस जैसे मिलती है, तो पार्किंग स्पेस में जब आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, तो गाड़ी एक बार आपने पार्क कर दी तो जब तक आप एग्जिट नहीं करेंगे वो गाड़ी आपकी वहीं पे रहती है. और आपको पता होता है कि जब भी मुझे अगर वापस जाना है, अपने गाड़ी में बैठकर वापस वहाँ से निकलना है, तो आपको पता होता है कि मेरा कौन सी लेन में, कौन से टावर के नीचे वो पार्किंग बेसिकली अवेलेबल है. मेरा कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन अगर आपके पास प्रॉपर है, चैनलाइज प्रॉपर तरीके से हो रखी है, तो उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं. लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है चैनलाइज जो हो रखी है, वो होगी कैसे, उसके लिए जगह चाहिए, राइट? तो वो जगह जो है वो तो आपके सिस्टम में, आपके हार्ड डिस्क में आपको मिल जाएगी, ठीक है. वो जगह तो आपका मेमोरी क्रिएट कर देगा, लेकिन वो तभी करेगा जब आप उसको नाम बताएंगे. मेरा पार्किंग 1 है, मेरा पार्किंग 2 है, मेरा यू नो फ्लोर नंबर 1 है, फ्लोर नंबर 2 है. तो इस तरीके से बेसिकली वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे काम के आते हैं. हम वेरिएबल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं, ठीक है. तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है. किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर मुझे रखनी है तो मैं वो वेरिएबल्स के थ्रू रख सकता हूँ, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पर ज़्यादा इतना सोच विचार ना करते हुए इसके प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल की, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स, ठीक है. और मुझे लगता है मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ कुछ. तो हम बात करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स की. देखिए, जैसे मैंने बोला कि आप कोई भी चीज़ अगर अल्फाबेट है, वो टेक्स्ट है, जैसे जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक एक्स है, और उस एक्स की वैल्यू है लेट्स से उस x की वैल्यू है एक्सेल, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, राइट? तो ये आपका टेक्स्ट है, हम सब इस बात पे एग्री करते हैं. तो अगर मुझे देखना हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे विश्वास नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ मुझे इसकी टाइप बता दो, ठीक है. तो टाइप फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. x लिखता हूँ, और अब इस फाइल को सेव करता हूँ. सबसे पहले इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि इसका टाइप एक्चुअल में क्या है, ठीक है. सबसे पहले फाइल को सेव करते हैं, बिकॉज आपको पता है ये ऐसे रन नहीं होगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. सो मैं इसको बेसिकली सेव कर देता हूँ, और हम इसको सेव करते हैं अपने सेम डॉक्यूमेंट में जो जिसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ. सो
पाइचाम फोल्डर मैंने पाइथन स्क्रिप्ट के नाम से एक्चुअली बनाया था। सो मैं यहाँ पे इसको बात कर देता हूँ वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स। ओके मुझे नंबर याद नहीं है, सो मैं इसको सिंपल वेरिएबल्स पाइचाम के इसमें सेव कर लेता हूँ। नंबर मैं बाद में क्रिएट कर लूंगा, आप ध्यान से देखिए अभी। सो ये मेरा वेरिएबल्स डॉट पाइचाम से सेव हो गया, ठीक है। ये सब हमने पहले देखा हुआ, इसको सेव कर ही चुके हैं। मैं इसको रन करता हूँ, आप F5 भी कर सकते हैं, ठीक है। सो F5 कीजिए, रन मॉड्यूल कीजिए, हम लोग इसका टाइप देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, सो दिस इज द क्लास कॉल्ड स्ट्रिंग, राइट। क्लास क्या होती है ये हम इस पे बात करेंगे। बेसिकली क्लास आप इस तरह से समझे कि पाइथन में हर चीज एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होती है। ऑब्जेक्ट मतलब, जैसे मैंने बोला आपको कि कोई भी वैल्यू आप जो इंफॉर्मेशन जो है स्टोर कर रहे हैं, राइट, वो इंफॉर्मेशन तो आप वेरिएबल्स के थ्रू ही स्टोर कर रहे हैं, लेकिन इन वेरिएबल्स को क्लासेस के थ्रू डिफाइन किया गया है। जैसे जो हमारे पास कोई भी सिंपल टेक्स्ट होगा उसका क्लास होगा स्ट्रिंग, STR, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग वर्ड हम एक्सेल में भी बहुत यूज करते हैं। अब उसी तरीके से लेट से मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट से मेरे पास वाई है, और वाई जो मेरी वैल्यू है वो है मे बी 34 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और हम फिर इसमें दोबारा से इसको प्रिंट टाइप करते हैं, और मैं कहता हूँ कि मुझे इस टाइम वाई का टाइप देखना है, ठीक है। तो आप सब समझदार हैं, इसको सेव करता हूँ मैं और रन करता हूँ। अब 34 किसी भी एंगल से हमारा टेक्स्ट नहीं है, राइट, तो क्या होगा, इसको रन करते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास क्लास इंटीजर, ठीक है। डेटा टाइप, क्या डेटा टाइप है, इंटीजर, राइट। आपको याद होगा एक्सेल वी में भी हमारे पास ये डेटा टाइप होती है, लेकिन वहाँ पे बेसिकली INT होता है इंटीजर, और वहाँ पे प्रॉपर इंटीजर लिखा जाता है, और कोई भी टेक्स्ट कमांड है वो हमारी जो है वो होती है स्ट्रिंग, जिसमें हम प्रॉपर स्ट्रिंग मेंशन करते हैं। जैसे सपोज अगर मैं आपको एक्सेल ऑन करके दिखाऊं, ये देखिए। अब जो मैंने पहले भी जैसे बोला है, क्योंकि मैंने जब ये बहुत पहले चैनल स्टार्ट किया था तो हम एक्सेल एक्सेल वीबी ही लेके आए थे, तो मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स वीबी एक्सेल से जुड़े हैं। बट एनीवेज, अगर आपको वीबी का बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, इट इज़ परफेक्टली फाइन, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मैं यहाँ पे कोई आपको वीबी नहीं करा रहा हूँ, राइट, और ना ही मैं कह रहा हूँ कि वीबी ज़रूरी आना चाहिए। मैं सिर्फ आपको, अगर आता है थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो, तो थोड़ा सा क्या होता है कि कोरिलेट करते हुए चीज़ें मज़ा आता है, और फिर आपको लगता है वाह, मुझे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज का बड़ा फायदा हो रहा है, राइट। तो जैसे ये आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, मैं कोई भी इसका नाम देता हूँ। अब जैसे हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे देखिए मैं लिखता हूँ डिम आई एज स्ट्रिंग, तो यहाँ पे वीबी में जो है वो आई जो है एज अ स्ट्रिंग लिखा जाता है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी नंबर जैसे लेना है तो आप उसको इंटीजर इस तरह से डिक्लेयर कर लेते हैं, और यहाँ पे आप वो इंटीजर यूज कर सकते हैं, समझे आप। तो आप जैसे इसमें अगर मुझे मैसेज बॉक्स वगैरह डालना हो, मैसेज बॉक्स आई एंड मैसेज बॉक्स जे फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से, तो जब आप अपना ये कंपाइलर रन कर दें तो इसमें कोई इशू आपका नहीं आता। ये देखिए ABC आ गया, उसके बाद ये आ गया 980। और ऑफकोर्स आप इसके पास यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लोकल विंडो में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रिंग और इंटीजर डेटा टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि हर लैंग्वेज में आपको जो है वो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, राइट, उल्टा बल्कि इन चीज़ों से हमें फ़ायदा ही होता है। अगर आपको एक लैंग्वेज आती है तो दूसरे से आपको दूसरी चीज़ समझना बहुत आसानी हो जाती है। तो बस थोड़ा सा एंट को इंटीजर किया हुआ, स्ट्रिंग को हमने जो है यहाँ पे STR किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं, अब हम वीबी के बाद मैं आपके उस विंडो में नहीं लेके जाऊंगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 78 पॉइंट जैसे मैं करता हूँ 98, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा चेक करना कि हमारे पास इसका क्या टाइप होगा अगर मैं चेक करना चाहूँ, राइट। वेल सेव करते हैं, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये आपका बेसिकली फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। तो पाइथन में हमारे पास जो है इसके अलावा और भी डेटा टाइप्स हैं, वो हम बाद में करेंगे, लिस्ट वगैरह है डेटा टाइप हमारे पास, तो वो वाली दो डेटा टाइप्स हम बाद में देखेंगे, ट्यूपल वगैरह और लिस्ट होती है, लेकिन अभी के लिए हम ये स्ट्रिंग इंटीजर और फ्लोट करेंगे। तो आपसे कोई पूछता है क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं फ्लोट इज फॉर डेसिमल्स, इंट इज फॉर होल नंबर, उसमें पूरा होल नंबर होगा, और स्ट्रिंग जो होता है वो आपको पता ही है वो टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। वेरिएबल्स हमारे ये ऑब्जेक्ट्स जो हमने क्रिएट किए हुए हैं एक्स वाई सी जिस तरीके से, और जो हम यहाँ पे टाइप देख रहे हैं इसको कहते हैं डेटा टाइप, ठीक है। सो पाइथन क्या करता है, इसमें आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट की होगी, अगर आप किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं, एक्सेल वीबी, या आपने सी लैंग्वेज की हो, या आपने कोई भी और अदर लैंग्वेज की हो, इवन VP.NET वगैरह में अगर आप काम करते हैं, तो
आपने चीज देखी होगी कि हम वहां पर हमेशा वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, पहले उनका डेटा टाइप देते हैं, राइट। जैसे सपोज एक्सेल बीबी की अगर हम बात करें तो हम वहां पे सबसे पहले इस तरह से डिफाइन करते हैं, आपने देखा भी होगा, मैं कर भी रहा था अभी, जैसे टेम एक्स एज इंटीजर। सी सी लैंग्वेज में भी आई थिंक ऐसा ही कुछ होता है, हालांकि मुझे एग्जैक्टली सिंटेक्स नहीं पता, लेकिन इसमें क्या होता है, पाइथन में आप ये सब चीजें नहीं करते हो, पाइथन खुद इन चीजों को संभाल लेता है, ठीक है। मतलब कि हम सिंपल अपना वेरिएबल लिखते हैं और हमें कोई उनको डिम करने की जरूरत नहीं होती, हमें उन्हें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इस हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हम एक्सेल वी में भी इनको बिना डिफाइन के काम कर सकते हैं, काफी स्टूडेंट्स को ये बात पता भी नहीं होगी, राइट। अभी जैसे इनको हमें अगर यूज करना हो तो हम इनको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज अभी मैं आपको ये बोलूँ कि अगर मुझे एक और वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ एक्स टू, फॉर एग्जाम्पल एक्स टू इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ इसमें पाइथन, राइट, पाइथन फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। अब लेट्स से गाइस हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है लेट्स से टोटल, या फिर लेट्स से कंबाइन, फॉर एग्जाम्पल कंबाइन, ठीक है, इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ एक्स प्लस एक्स टू, ठीक है, एक्स प्लस एक्स टू, या इसको हम एक्स वन कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, और यहाँ पे एक्स वन कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक्स वन प्लस एक्स टू कर दिया, ठीक है, और फाइनली हम क्या करते हैं कि प्रिंट कर लेते हैं, और मैं इसको क्या देता हूँ कंबाइन, ठीक है, कंबाइन इस तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस चीज को यूज करूं तो आपके पास, आपको पता है कि आपके पास बेसिकली एक्स वन में जो वैल्यू है वो एक्सेल है, करेक्ट, एक्स टू में पाइथन है, तो हम दो टेक्स्ट को बेसिकली ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल कि हम दो टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, राइट। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, मैं मॉड्यूल को फटाफट से रन करता हूँ, ठीक है। तो जब आप इसको रन करेंगे, सॉरी प्रिंट वर्ड नॉट डिफाइंड, ठीक है, मैंने एरर देखते ही इसको चेक कर लिया। अब वही बात है ना, थोड़ा सा एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज आप शिफ्ट करें तो कई बार ये हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारा पावर क्वेरी वगैरह है, पावर क्वेरी में केस सेंसिटिविटी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, एक्सेल में नहीं रखना पड़ता, एक्सेल वीबी में नहीं रखना पड़ता, एक्सेल वीबी में ही नहीं रखना पड़ता। एनीवेज मॉड्यूल रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आपने देखा कि एक्सेल पाइथन हमारे पास लास्ट में आ गया, तो अगर आप सरप्राइज हो कि ये प्लस में कैसे ये हुआ, बेसिकली अगर आप स्ट्रिंग्स में हैं, अगर आप यहाँ पे मैं कमेंट में डाल देता हूँ, आप ऐसे भी हैश लिख के या जो है कमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, इन केस ऑफ स्ट्रिंग, इन केस ऑफ यानी कि, इन केस ऑफ यानी कि टेक्स्ट वैल्यूज, करेक्ट, स्ट्रिंग बोल लो या टेक्स्ट वैल्यूज, ये जो आपका प्लस साइन है, दिस प्लस साइन वर्क्स लाइक अ कंकैटिनेट, ये आपको ध्यान रखना है, कहीं आपसे कोई पूछ ले और आप बोलो कि भाई एरर आएगा, नहीं एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये एक्सेल नहीं है कि हाँ मैंने आपको बोला कि एक्सेल और पाइथन को ऐड कर दो, वहां पे ए वन सेल में एक्सेल है, ए टू में पाइथन है, नहीं वहां पे एरर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इनफैक्ट आप सब लोग जानते होंगे, इवन एक्सेल वीबी में भी प्लस साइन जो है स्ट्रिंग्स के ऊपर ये एरर नहीं देता है, ये कंकैटिनेट का काम करता है, इनफैक्ट एक्सेस वीबी में भी ऐसा ही होता है, तो इसे हमें बड़ा ही इजिली याद रहता है, ठीक है। तो इस तरह से कंकैटिनेट हो जाता है। अब दूसरी बात यह है कि अब जैसे सपोज हम मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ और मैं कहता हूँ कि अब मुझे लेट्स से वाई और जेड को ऐड करना है, ठीक है। तो वाई और जेड को हम ऐड करने के लिए क्या करते हैं, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ टोटल, ठीक है, टोटल इक्वल्स टू मैं कहता हूँ वाई प्लस जेड, ठीक है, और उसके बाद हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट टोटल फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। मैं इसको फिर से सेव करता हूँ फॉर्मेट को और इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो देखें जरा यहाँ पे इसके आउटपुट, ये देखिए 112.98, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये इतना ही बनेगा। तो आपने एक चीज नोट की, इसमें इसमें जब मैंने प्लस किया तो ऑटोमेटिकली प्लस ही हुआ, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, आफ्टर ऑल है तो ये नंबर्स ही, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक दूसरा सिनेरियो आता है, मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ये सारे कॉमेंट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये सारे के सारे। तो इसी बात पे मैं आपको, अब जैसे हमें हर चीज को कमेंट करना है तो वही हर लाइन के पीछे हैश हैश करने की जरूरत नहीं है, इसकी शॉर्टकट की भी है, बट जैसे आपने चूज सेलेक्ट किया है, हम यहाँ पे इसको कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए कमेंट आउट रीजन है, ये इस आइडल में एक शॉर्टकट की चल सकता है आपका Alt 3, ठीक है। मैं Alt 3 यूज नहीं करूंगा, मैं सीधा करता हूँ कॉमेंट आउट, और आपको हटाना हो तो आप अनकॉमेंट भी कर सकते हैं, उसके नीचे उसका भाई बैठा हुआ है Alt 4, ठीक है।
मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। सो ये लाइंस वगैरह आपकी रन नहीं होगी, ठीक है, लेकिन नोट्स के लिए तो बढ़िया है, ठीक है। ये मैं आपको उस कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है, आप वहां से उठा लीजिएगा। अच्छा, तो मैं एक्चुअली आपसे क्या बात करना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था कि लेट्स से नाउ डिस्कस अनदर थिंग, डिस्कस सेकंड पार्ट, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं फिर से यहाँ पे एक क्वेरी को लेता हूँ एक्स, ठीक है, या कुछ और ले लेते हैं, लेट्स से वैल्यू 1, ठीक है। तो वैल्यू 1 हमारा वेरिएबल है और मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू होल्ड करेगा 5, ठीक है। लेकिन मैंने इसके आगे सिंगल कोट्स लगा दिए, सिंगल कोट या डबल कोट जो भी आपने लगाना है, ठीक है। और मैं दूसरी तरफ भी आपका इसको 5 दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले या तो मैं टोटल कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ वैल 1 प्लस वैल 2, और फिर प्रिंट में टोटल कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंट इस तरीके से, और अच्छे मैं कहता हूँ वैल 1 प्लस वैल 2, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से करके देखते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस, और इसको रन करता हूँ मैं, और इसके ऊपर रन करके देखते हैं कि भाई क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए सिर्फ आपको आउटपुट मिलेगी 55, सारा क्योंकि ऊपर वाला कमेंट हो रखा है। अब 55 क्यों आया, 55 ये मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा जिनको बिल्कुल प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है। देखो भाई ऐसा है कि इसके आगे हमने सिंगल कोट लगा दिया, सिंगल कोट लगाने से क्या होगा कि ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, एज अ टेक्स्ट ट्रीट होगा, समझा। ये इसीलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज नंबर जो होते हैं वो आपके एज अ टेक्स्ट भी स्टोर हो जाते हैं। आप मोस्टली सारे लोग एक्सेल यूज करते होंगे, मैं मेरा ऐसा मानना है कि कोई इस वीडियो को देख रहा है उसको एक्सेल का नॉलेज ना हो इम्पॉसिबल है, एक्सेल घर घर में पहुंचा हुआ है, राइट। तो अब जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, आपको पता है नंबर हमेशा राइट साइड पे रहते हैं और कोई भी टेक्स्ट लेफ्ट में रहता है। अब मैं इसी नंबर को अगर दोबारा लिखूँ, और ये देखिए ये नंबर हो गया लेफ्ट पे। अब ये मैंने कोई मैजिक नहीं किया है लेकिन ये लेफ्ट में हुआ है। अभी मैं आपको एक्सेल में एक फंक्शन बताऊँ इज टेक्स्ट, ये क्या कहता है, ये चेक करता है क्या ये नंबर टेक्स्ट है। अगर मैं फॉर एग्जांपल चेक करना की कोशिश करूं, आप देखोगे कि ये तो ट्रू हो गया, जबकि यही फंक्शन अगर मैं एक्सेल में लगाऊं, क्या भाई तुम टेक्स्ट हो, ऑफ कोर्स नॉट, दिख रहा है, राइट, साफ साफ दिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाय द वे मैंने इसके पीछे एक सिंगल कोट लगा दिया, आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो उससे टेक्स्ट हो गया स्पेशल कैरेक्टर। तो प्रॉब्लम जो जो हम बात कर रहे थे कि नंबर जो होता है वो नंबर भी होता है लेकिन वो नंबर एज अ टेक्स्ट भी स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, इसीलिए इसीलिए जब हम यहाँ पे जब हम कोड में बैठे होते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको रिसाइज कर लूँ, ये मुझे बार बार परेशान कर रहा है विंडो। हाँ, तो इसीलिए आपका क्वेश्चन अगर ये बनता है कि भाई मतलब सिंगल कोट लगाने से ऐसा क्या हो गया, ये नंबर जो है ये नंबर एज अ टेक्स्ट स्टोर हो गया है, जिसकी वजह से आपको पता है प्लस साइन हमारा एडिशन की तरह काम नहीं करेगा। ये किस तरह से काम करेगा, दिस इज नॉट एडिशन, राइट, दिस इज नॉट एडिशन, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली कंकैटिनेशन, समझिए, क्योंकि आपने उसका डेटा टाइप जो है वो 5 किया हुआ है, स्ट्रिंग किया हुआ है। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि भैया मेरे को चेक करना है वैल वन, चेक कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो प्रिंट टाइप किया वैल वन, ये लगा लो, ठीक है। अब इसको रन करते हैं सेव करके, और मैं इसको रन यहाँ से करता हूँ। अब आप यहाँ देखिए एंड ऑफ द वाइल वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लीडर, ओके सॉरी, ये सिंगल कोट नहीं है, हैश, ये बीबी की आदत पड़ी हुई है हमें, मुझे एक्चुअली। सो एनीवेज रन द मॉड्यूल, सो ये देखिए, देखा आपने, तो टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक्चुअल में ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे अच्छा तो फिर इसका मतलब स्ट्रिंग में भी ऐसा कुछ होता हो, जैसे सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि ये मेरा एक स्ट्रिंग है ए, और इसमें हेलो वर्ड लिख देते हैं, ठीक है, हेलो, और उसके बाद एक बी ले लेते हैं और लिख लेते हैं भाई, हेलो भाई, हाँ। तो मैं बोलता हूँ कि प्रिंट करो, प्रिंट क्या करो, ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए जब हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की, तो स्ट्रिंग्स जो है वो कभी नंबर की तरह ऐड नहीं हो सकते, हमें पता है। एक प्रॉपर स्ट्रिंग, एक प्रॉपर अल्फाबेट कभी नंबर नहीं होगा, एक नंबर स्ट्रिंग हो सकता है, एक नंबर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस केस में अगर आप ए प्लस बी करते हैं तो डेफिनेटली वो हेलो भाई ही प्रिंट होगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो
अभी मैं इसको अगर रन करूंगा तो आप देखें हेलो भाई ही आएगा, जिसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी मैं ये जो वैल वन वैल टू है, अब सपोज मैं इस वैल वन और वैल टू को यहाँ से हटा दूँ, ये हटा दूंगा इसे, ठीक है। मैं इसको अभी दोबारा से वैसे ही कर दूंगा। अब मैं इसको अगर एक बार रन करूँ, अब आप देखो वैल वन प्लस वैल टू क्या आएगा। मैं भी आप वीडियो पॉज करके सोचें, देखें आप सही से बात दे पाते हैं कि नहीं, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आप वीडियो फिर अनपॉज कीजिएगा, ठीक है, रन कीजिएगा। ये देखिए हम इसको रन करते हैं, ठीक है। ये देखा आपने, आंसर 10 आ गया। बिकॉज अब ये जो है ये हमारा इंटीजर है, इंट है, आप देख सकते हो क्लास पे इंट आ रही है। तो छोटा सा ट्वीक, छोटा सा चेंज करने से कहानी चेंज हो सकती है, ठीक है। अब ये चीजें आपको क्यों पता होनी चाहिए? बोल अभी हम कोई प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इमेजिन कीजिए आप किसी टेक्स्ट फाइल से डेटा लेके आते हैं या कहीं और सीएसवी फाइल से आपके पास डेटा आता है, एक्सेल से आता है, है? हो सकता है कि वहां पे नंबर एज अ टेक्स्ट स्टोर हो। अब भाई आपके पास वो नंबर एज अ टेक्स्ट स्टोर अगर होके आते हैं और आपको कोई ऑपरेशन करना है, तो उस चीज में ऑपरेशन करना मतलब चीर फाड़ नहीं, मेरा मतलब है उसके ऊपर कुछ वैल्यूज यूज करके आपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना हो, तो भाई उस केस में आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि अगर कोई नंबर मैं लेके आ रहा हूँ, मैं उसको कोई स्क्रिप्ट कोई कोड अपना पाइथन का रन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो वैल्यू जो है वो किस तरह से जाएगी, क्या वो टेक्स्ट होगी, क्या वो नंबर है, क्या वो यू नो फ्लोट है, फ्लोट डेटा टाइप है, डेसिमल है। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर एज अ टेक्स्ट आ गया है, वो प्लस नहीं हो रहा है, वो कंकैटिनेट हो रहा है, तो आप फटाफट जाके चेक कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता होगा कि नंबर वाई अपना टेक्स्ट हो सकता है, क्यों, ठीक है। अब दूसरी बात ये भी है कि अब सपोज जैसे ये हमने लिखा है अभी, अब मैं क्या करता हूँ कि फटाफट से इसको इस तरह से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा, ये हटा देते हैं सारे, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ कमेंट। अब जैसे देखिए सपोज थर्ड पार्ट, अब जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास वैल वन जो है वो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट ही पड़ा हुआ है, ठीक है, नंबर है लेकिन टेक्स्ट की फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसको आउटपुट को 5 + 5 = 10 ही लेके आना है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे उनको इनमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये जैसे आ रहे हैं आने दो, बट मुझे इनको आगे एज अ टेक्स्ट ना लेके इनको एज अ नंबर लेके यूज करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये नंबर्स हैं तो हम इन नंबर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी इन नंबर्स को नंबर में दोबारा लेके आ सकते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी टेक्स्ट है, ठीक है। तो नंबर टेक्स्ट में होता है तो हम उसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल शेप में लेके आ सकते हैं, उसके ओरिजिनल डेटा टाइप में ला सकते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल है तो वो नंबर ही, ये अलग बात है कि वो टेक्स्ट हो गया। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में आप ये कर सकते हो कि आप इसको इंटीजर डेटा टाइप ले सकते हो इंट इस तरीके से, और इसमें जैसे ही मैं वैल वन लिख देता हूँ, तो अब क्या होगा कि अब जब हम प्लस करेंगे और दूसरे को भी मैं इंट लेके चलता हूँ वैल टू, तो आप देखिए जब हम मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, अब क्या होगा कि इंटीजर डेटा टाइप सिर्फ नंबर्स के लिए यूज होती है, वो टेक्स्ट के लिए यूज नहीं होती, राइट। तो क्या होगा, जो आपके 5 हैं और जो 5 हैं वो आपके इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आंसर देखिए 10 आ गया, अब कंकैटिनेट नहीं हुआ, ठीक है। अब लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि कल को आप वही जो मैं चीज पहले बोल रहा था आपको, कि कल को आप ये कहो कि भाई हमने ये सीखा कि ए में अगर बैठा है हेलो है इस तरह से, और बी में बैठा है आपका लेते नी, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें इनको ऐड करना है, और हम यहाँ पे इंट लगा के बैठ गए, ठीक है, और मैंने बोला कि आप इसको इंटीजर कर सकते हो, राइट, और मैं यहाँ पे इसको बी को इंटीजर लगा लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद हम लोग इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो रन करते हैं मॉड्यूल, ठीक है, तो मॉड्यूल रन करते ही आप देखिए आपके सामने एरर आ जाएगा, समझ आई कहानी, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, लिटरल टेक्स्ट को कहते हैं अल्फाबेट जैसे, ठीक है, ये नहीं हो सकता। और ये आप सदियों से सीखते आ रहे हैं, सदियों से मतलब जब से एक्सेल हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो एक्सेल ही होता था भाई, जितना मुझे याद है, खैर एक्सेल तो पहले डॉस भी होता था, पर मैं इतना पुराना आदमी नहीं हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे भी यही प्रिंसिपल्स है। अब इसको हम नंबर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नंबर को हम टेक्स्ट कर सकते हैं, और नंबर को हम दोबारा अगर वो टेक्स्ट है नंबर भी ला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें बड़ी समझदारी से यूज करनी होगी आने वाले टाइम में, बिकॉज ये फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स पे जो आदमी खरा उतरेगा वो अपना इंटरव्यू देते हुए बिल्कुल नहीं घबराएगा, एक चमक रहेगी, एक स्माइल रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई मुझे चीजें पता है, मैं वो वाला व्यक्ति नहीं हूँ जिसने
कोड को कॉपी पेस्ट कर करके बहुत दिन लगा दिए और एक प्रोग्राम तो बना दिया, तो कंपनी में चल भी रहा है, बट हमेशा गूगल की जरूरत पड़ी, गूगल की जरूरत पड़नी पड़ती है, सबको पड़ती है, हमें भी पड़ती है, बट हर चीज़ उस पर नहीं हम थोप सकते, फंडामेंटल्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो फाइनली आज हमने डेटा टाइप्स वगैरह यूज़ किया। ठीक है, क्लासेस किस तरह से हमने तीन इसकी डेटा टाइप्स यूज़ की हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। ठीक है, और इसके बाद हमने वेरिएबल्स भी यूज़ करना, वेरिएबल्स के थ्रू किस तरह से हमने वो इन्फॉर्मेशन वगैरह स्टोर किया और उसको किस तरह से कैलकुलेशन में यूज़ किया। फिर हमने ये भी देखा कि कहाँ एरर आ सकता है डेटा टाइप कन्वर्जन करते हुए, या डेटा टाइप कन्वर्जन जैसे इंटीजर टू स्ट्रिंग या स्ट्रिंग टू इंटीजर पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, उसी तरीके से ये भी आपने नोट किया है कि जो है डेसिमल्स में एक, जैसे नंबर्स में एक होल नंबर है, एक अपना जिसको रियल नंबर भी हम कहते हैं, और एक हमारा डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल फ्लोट डेटा टाइप है और दूसरा इंट होता है। फिर मैंने कुछ आपको वीबी की हेल्प से भी और लैंग्वेजेस का भी सिस्टम बताया कि पाइथन में आपको कुछ कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं करनी होती, आप डायरेक्ट अपना वेरिएबल लिखें और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है हमारा आज का लेक्चर चैप्टर, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और नहीं पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया तो बताना ही है, राइट, आपका फर्ज बनता ही राइट, बिकॉज आप लिखेंगे कुछ तो भाई मैं भी देखूंगा कि हाँ भाई स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं चीज़ें। तो मिलते हैं फिर हम अगली बार बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप प्लीज़ इस पर प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट सेक्शन में मैं ये सारा प्रिंट कर दूंगा, आप जाके अपने इस आइटम में प्रिंट कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।